अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। तो आज हम बना रहे हैं ओरियो शेक। ओरियो शेक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एकदम थिक शेक है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम थिक, बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी शेक। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ओरियो शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ओरियो का पैकेट लिया है, ये फैमिली पैक मैंने बड़ा वाला लिया है। ओरियो शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चोको क्रीम का ओरियो लिया है। आप चाहे तो जो वेनिला क्रीम का ओरियो रहता है वो भी ले सकती हैं। तो ओरियो को सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो ओरियो के पूरे पैकेट हम इसमें डाल देंगे। इस पैकेट में 10 ओरियो बिस्किट आए हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शुगर यानी कि चीनी। तो मैंने यहाँ पर ली है 4 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये क्रीम। यहाँ पर मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। आप चाहें तो घर की मलाई भी ले सकती हैं। 4 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने क्रीम डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आ जाएगा हमारे ओरियो शेक में और वो एकदम थिक बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेट आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम ली है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकती हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर यानी कि 500 ml दूध लिया है। पूरा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। तो करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर चॉकलेट सॉस डाल दिया है और अब हम इसे करेंगे बंद और कर लेंगे इसे अच्छे से ग्राइंड। अच्छे से कर लिया है हमने इसे ग्राइंड। देख सकती हैं आप कितना बढ़िया ये दिख रहा है, एकदम थिक है ये। तो ये झटपट हमारा ओरियो शेक तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्विंग के लिए मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं। इसे हम बिल्कुल बाजार जैसा डेकोरेट करेंगे। तो ग्लास के साइड से हम इसमें डालेंगे चोको सिरप, कुछ लोग इसे चॉकलेट सॉस भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने हर्शीज का लिए है, आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये थिक शेक। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चॉकलेट आइसक्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। और इस पे डालेंगे हम ढेर सारा क्रश किया हुआ ओरियो। तो ये हमारा चॉकलेटी बहुत ही टेस्टी और एकदम जल्दी से बनने वाला थिक शेक या फिर थिक ओरियो शेक बिल्कुल बनके तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्विक बहुत ही आसान और एकदम टेस्टी रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से कर दीजिए इसे लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही नई नई आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।